सड़ के सांसों से कम नहीं होती। हो भी क्यों, रोड ही तो रंगत लाती है। फिर चाहे विकास हो अथवा सहज सुलभ आवागमन, जहां रोड नहीं वहां कैसी रंगत आ सकती है। ऐसा ही ताजा मामला कटनी जिला के बडवारा तहसील अंतर्गत ग्राम गणेशपुर और वहां के ग्रामीणों की दिशा है, जहां से आने जाने के लिए बेहद खतरनाक और गड्ढे खाई युक्त रोड होकर आए दिन जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। ग्राम गणेशपुर से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली वो सड़क, जहां से दर्जनों ग्रामों के ग्रामीणों सहित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं होकर गुजरते हैं, वो बेहद ही खराब हो चुकी है और खस्ता हाल हो चुकी है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को झांकने की भी फुर्सत नहीं है। हताश होकर ग्रामीणों ने खुद जन सहयोग के जरिए सड़क बनाने का निर्णय किया है। गणेशपुर ग्राम के ग्रामीणों की माने तो सन 2016 में सूबे के CM शिवराज सिंह चौहान स्वयं यहां इस सड़क की सहारे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। तब 15 दिनों में रोड दुरुस्त करने की बात कही थी। तब से लेकर 4 साल बीतने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। मजबूरन मिलजुल कर पैसे, संस्थान का सहयोग एकत्र कर रोड बनाने का कार्य करना पड़ा। ग्रामीण करण पटेल पुष्पराज सिंह के अनुसार सड़क समस्या के समाधान के लिए जनपद CO सहित CM हेल्पलाइन लोक निर्माण विभाग को आवेदन देने दुर्दशा बताने के बाद भी समस्या का समाधान तो दूर सुनने वाला नहीं मिला। 3 दशक पहले बनी रोड की कभी किसी विभाग द्वारा मरम्मत नहीं की गई और नतीजा सड़क लोगों के चलने के लायक भी नहीं बची है। यहां एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सुविधाएं गांव से 1 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग में आकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस गांव के ग्रामीणों ने स्वतः सहयोग राशि के द्वारा अपनी रोड बनाकर क्षेत्रीय नेताओं को जता दिया कि सही समय आने पर आपको अपना फैसला मत पेटी के माध्यम से बताया जाएगा। मकसद हमारा साफ है, ये रोड का निर्माण विगत कई वर्षों से लंबित था। इस रोड के निर्माण के लिए हम PWD गए, PMJSY के पास गए, सांसद जी, विधायक जी, सबके पास हम लोग इस मांग को लेकर गए कि इस रोड का निर्माण किया जाए। गणेशपुर ग्राम पंचायत है, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, 4-5 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में इतने खड्डे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं खड्डे, कि छात्रों को पढ़ने में आने में इतनी दिक्कत होती, वो लोग आ ही नहीं पाते, स्कूल तक नहीं आ पाते। 2016 में माननीय शिवराज चौहान साहब का भी दौरा था, इसी यहाँ पर उनके द्वारा जनसभा की गई थी शहडोल लोकसभा उपचुनाव के दौरान, उनके द्वारा भी हमारी मांग को सुना गया था और ये बोला गया था कि इस रोड का निर्माण 15 दिन के अंदर किया जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए लेकिन इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं किया गया। जब हम सारे डिपार्टमेंट से यहाँ वहाँ भटक के आए तो हमने ग्रामीण के अपने सभी साथियों से बात किया और हम लोग जनसमूह इकट्ठा किया और एक साथ जनसमूह के द्वारा ही, ये जनभागी के द्वारा अभी इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कितने आप लोगों ने कितने ट्रैक्टर लगाए होंगे? लगभग हम लोग 5 से 6 ट्रैक्टर और 1 JCB जो कि गांव की है, सभी लोग की है। लोगों से आपने सहयोग राशि क्या अर्जित की? सहयोग राशि ये है कि सब लोग अपने खुद अपने समर्पण से ट्रैक्टर लगा रहे हैं, JCB लगा रहे हैं, सिर्फ बाकी डीजल का पैसा हम लोग एक साथ सब लोग एकत्रित कर रहे हैं। तो आप जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों को हम सिंपल से संदेश देना चाहते हैं कि ये गणेशपुर क्षेत्र है जो कि डूब क्षेत्र में आता है, चारों तरफ से महानदी है, उमराट क्षेत्र का क्षेत्र है ये, आपके तरफ इस ध्यान आकर्षित करना चाहिए क्योंकि डूब क्षेत्र है, यहाँ का विकास करना बहुत जरूरी है क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल है और इस गणेशपुर ग्राम पंचायत से 10 गाँव संबंधित हैं जिनका डेली आना जाना होता है। कटनी के लिए सीधा सा मार्ग यही है, बड़वारा विधायक कल जो कि ब्लॉक है हमारा क्षेत्र है वहाँ भी जाना है, तो ये भी रोड है ये आने जाने के लिए। हम जनप्रतिनिधि से इतना ही मांग करते हैं कि इस रोड ध्यान आकर्षित करें और हमारी मांग जी, मेरा नाम विनोद पटेल है, गणेशपुर से हूँ मैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगली बार जो अच्छा काम करेगा उसका साथ देंगे। अभी तक हम सांसद विधायक दोनों से बात करके देख चुके हैं, उन लोग कुछ नहीं किए। हम अपने माध्यम से ये बताना चाहते हैं उनको कि यदि आप काम नहीं कर सकते तो हम सक्षम हैं अपने क्षेत्र का, हम अपने स्तर से हम काम कर सकते हैं। अगले चुनाव में, मतलब कहने का सीधा मतलब है कि अगले चुनाव में आप अपने गांव के मतदान के द्वारा ही बता देंगे उनको कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया है वो उनके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होगा।
दिक्कत क्या थी, कितने बड़े खड्डे थे जो आप लोग चंदा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई सड़क बनाने? हमारे आने जाने के रास्ते नहीं तो गड्ढे, तो मतलब किस तरह का रास्ता नहीं, क्या गाँव गाँव में आपके 100 एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही? वो तो 2 किलोमीटर दूर खड़ी रह जाती। अच्छा, कितने गहरे गड्ढे थे तकरीबन? कम से कम 3-3 फुट के गड्ढे थे। आपके गाँव में हायर सेकेंडरी स्कूल भी है सुना जी? अच्छा, तो बच्चों को भी आने जाने में तकलीफ? सबको तकलीफ, बावजूद आप लोगों की बात नहीं सुनी किसी? कोई नहीं सुना, बड़वार सीओ से बात किए और लिखित दिए, कोई सुनवाई नहीं। तो मजबूरन आप लोगों ने चंदा इकट्ठा किया करके अपना गुजर करने के लिए बनाए। क्या नाम है आपका? रामकरण पटेल। कहाँ से? गणेशपुर। कैनन न्यूज़ के लिए कटनी से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।